नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक शाम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रिज्म लाइव स्टूडियो में किसी गेस्ट को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पीसी पर और देखते हैं कैसे हम किसी गेस्ट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पीसी पर। यहाँ पर हमें प्रिज्म लाइव स्टूडियो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें जाना है एक वेबसाइट पर। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है वीडियो निंजा, ये आपको सर्च करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है vdo.ninja, इसे आपको ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ रूम, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने रूम का कोई भी नाम दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पर दे दिया टेक्नो श्याम लाइव। उसके बाद अगर आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर फिलहाल कोई भी पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एंटर द रूम्स कंट्रोल सेंटर इन द डायरेक्टर्स रोल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे यहां पर एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनवाइट अ गेस्ट। अगर आपको अपने गेस्ट को इनवाइट करना है, जिस गेस्ट को आप ऐड करना चाहते हो, तो ये लिंक आपको कॉपी करके अपने गेस्ट को सेंड कर देना है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आप उन्हें सेंड करना चाहो, ये लिंक आपको उन्हें सेंड करना होगा। तो यहां पर एक ऑप्शन है गेस्ट हियर अदर्स, यानी अगर आपके यहाँ पर चार गेस्ट अगर आपने ऐड कर रखे हैं, तीन गेस्ट आपने ऐड कर रखे हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाएंगे। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो जो गेस्ट होंगे वो आपस में एक दूसरे की वॉइस को नहीं सुन पाएंगे, तो हम इसे इनेबल करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो प्रो ऑडियो मोड, हाई ऑडियो सोर्स, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है शो डिस्प्ले नेम्स, यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम शो कराना चाहते हैं। जो हमारा गेस्ट है उसका नाम हमारा शो होता रहे, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी जो स्ट्रीमिंग में है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पता रहेगा नाम का। तो हम यहाँ पर बस शो डिस्प्ले नेम्स पर इनेबल कर देंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर नीचे की साइड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको अपना वेबकैम और अपना माइक ऐड कर लेना है। उसके लिए जो सेटिंग का बटन आ रहा है, सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और इस साइड यहाँ से आपको अपना वेबकैम और अपना माइक ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वीडियो सोर्स में जाऊँगा, यहाँ से मैं अपना एक वेबकैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रॉकवेयर का RC08 ये वाला वेबकैम मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद आप देखोगे तो मेरा वेबकैम नीचे की साइड, यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा वेबकैम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है। ऑडियो सोर्स में हम अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जो हमारा माइक्रोफोन है, ये आप देख सकते हैं USB माइक्रोफोन, जो मैंने हेडफोन लगा रखा है, उस हेडफोन का माइक हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो ये माइक हमारा काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, अपना हेडसेट, यानी जो गेस्ट हैं उनकी वॉइस को हमें सुनना होगा, तो उसके लिए हम हेडसेट का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है अपना हेडसेट। तो यहाँ से आपको अपना कैमरा, माइक, ये सारी सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद सिंपल आपको ये जो इनवाइट अ गेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हमें इस लिंक को क्लिक करना है। कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे। अब इस लिंक को हमें ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना है अपने गेस्ट को। तो गेस्ट को जैसे ही ये लिंक मिलेगा, वो अपने लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उनके फ़ोन पर या अपने PC पर, जहाँ पर भी वो लिंक को ओपन करेंगे, क्रोम के थ्रू ओपन करना है। उसके बाद उनके फ़ोन पर या PC पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आएगा ज्वाइन रूम विद कैमरा, दूसरा आएगा स्क्रीन शेयर विद रूम। तो गेस्ट को ज्वाइन करने के लिए सिंपल करना होगा ज्वाइन रूम विद कैमरा, जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे ही वो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, वो हमारे यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर, जो हमारा डायरेक्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ पर वो शो होने लगेगा उनका कैमरा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट पर मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर ही इसको ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर दो गेस्ट ऐड हो चुके हैं। जैसे एक हमने अपना कैमरा यहाँ पर ऐड कर रखा है, दूसरे हमारे अंजीब भाई साहब हैं और दूसरे गेस्ट हमारे हैं रमन जोशी।
अब मैंने यहाँ से नाम चेंज कर दिया, जैसे ये है, ये मेरा है, तो मैं यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं अपना नाम यहाँ पर देता हूँ, तो ये हमारा, मैंने एक गेस्ट हमारा ये ऐड हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ सुमित शर्मा हो गया, ये मैंने दे दिया अंजीम, और ये हो गया रमन जोशी। सिंगल गेस्ट को अगर ऐड करना चाहूँ, इनके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी सोलो व्यू लिंक, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद जाएंगे प्रिज्म स्टूडियो पर, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सोर्सेज में जाएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वापस वेब पर जाना है, ओके करेंगे, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं अंजीब। मैंने यह नाम दे दिया अंजीब, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जो हमने सोलो लिंक कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको टिक रखेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हो जो अंजीब भाई साहब हमारे हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, ये पूरी स्क्रीन पर आ गए। इसे आप आराम से यहाँ से रिसाइज करके इस तरह से कहीं पर भी स्क्रीन पर फिट कर दो। तो एक गेस्ट हमारे हो गए ये अंजीब भाई साहब। उसके बाद इसी तरह से दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, हम वापस चलते हैं उसी डैशबोर्ड पर। वापस डैशबोर्ड पर आने के बाद अब ये जो रमन जोशी हैं इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे। इनके नीचे जो कॉपी सोलो लिंक आ रहा है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, उसके बाद वापस जाएंगे प्रिज्म स्टूडियो पे, फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, वेब पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, और यहाँ नाम दे देंगे रमन जोशी, जिससे याद रहेगा कौन सा सीन हमारा कौन सा है, ठीक है। यहाँ हमने नाम दे दिया रमन जोशी, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, जो लिंक हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं रमन जोशी। तो ये देखिए अब रमन जोशी भी यहाँ पर शो होने लगे, इन्हें भी हम रिसाइज कर देते हैं, मिनिमाइज, इस तरह से करके अपने दूसरे गेस्ट हमारे यहाँ ऐड हो गए। मैं यहाँ पर अपना वेबकैम ऐड कर लेता हूँ, जो मेरा वेबकैम है उसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा वेबकैम यहाँ ऐड हो गया। तो अब हम अगर चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं और ऑडियो को, एक दूसरे के ऑडियो को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हो ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो। आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो यहाँ पर, जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं, उस तरह से आराम से हम यहाँ पर गेस्ट से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर नाम वगैरह आप देना चाहो नाम वगैरह लिख सकते हो, पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह चेंज करनी हो वो भी कर सकते हो। तो आप चेक कर लेते हैं कि आपको ऑडियो आ रही है सबको, नहीं आ रही है वो एक बार चेक कर लेते हैं। अंजी भाई साहब नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है ना, आपको क्लियर आ रही है? बस दोस्तों इस तरह से अब ये सेटअप हो जाएगा, उसके बाद बस आपको गो लाइव पर क्लिक करके जो भी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप होता है, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उस तरह से आराम से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप प्रिज्म लाइव स्टूडियो में किसी भी गेस्ट को बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बेहतरीन क्वालिटी का बना सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।